व्हाट्सअप गाइस, एच जी जी टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है himanshugrewal.com, यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि वर्डप्रेस प्लगइन कौन सी है। तो अगर आपको प्लगइन के बारे में नहीं पता तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। उसी के नीचे अगर आप दूसरा आर्टिकल देखो तो जैसे कि वेबसाइट बनाने के बाद क्या करें। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइट तो ना लेते हैं पर उनको उसके बाद क्या करते हैं उसके बारे में पता नहीं होता। तो अगर आपको ये गाइड पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको तरह तरह की वीडियो सिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पहली जो लास्ट वीडियो है वो हाउ टू बैकअप योर वर्डप्रेस वेबसाइट या फिर गोडैडी से डोमेन नेम कैसे लें। क्योंकि अगर हम होस्टिंग लेते हैं तो हमें डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको डोमेन नेम है तो आप गोडैडी वीडियो देख सकते हो। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम SiteGround से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि मेरी होस्टिंग SiteGround पे है। तो मैं आपको SiteGround का ट्यूटोरियल करके बताऊंगा कि SiteGround पे अगर आप होस्टिंग देते हो तो वहाँ पर जाके हम अपनी वर्डप्रेस साइट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये कुछ प्लान है। अगर आपको SiteGround की होस्टिंग खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, जहाँ पर लिंक क्लिक करके आप होस्टिंग को खरीद सकते हो। तो इसके काफ़ी सारे फीचर है, जैसे कि आप फीचर को देखते हो तो गेट प्लान पे जाके क्लिक करके होस्टिंग खरीद सकते हो। तो होस्टिंग लेने के बाद आपके ईमेल पे एक यूजर नेम पासवर्ड आएगा, तो वही डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉगिन का बटन है, तो मैं इस पर लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। उसके बाद का आगे स्टेप जानेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें। तो स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अपने अकाउंट में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका हूँ। ये है मेरा डैशबोर्ड SiteGround का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माई अकाउंट लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे कि गो टू cpanel, तो आपको cpanel वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे, तो आप प्रोसेस्ड वाले बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप cpanel पर पहुँच जाओगे। तो ये हमारा cpanel ओपन हो चुका है। तो अब वर्डप्रेस को हम कैसे शुरू करें वो मैं आपको बताता हूँ cpanel के थ्रू। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप ऐड डोमेन्स पे जाइए, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डोमेन ऐड करेंगे। अब आपका जो डोमेन नेम है जो आपने खरीद रखा है, आप उस डोमेन का नाम डालिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अपने डोमेन का नाम डाल रहा हूँ। तो जैसे कि आप, मैंने अपने डोमेन का नाम डाला, फॉर एग्जाम्पल himanshugrewal.com, मैंने अपने डोमेन का नाम लिखा। फिर जब आप नीचे स्क्रीन दूसरे बटन पर क्लिक करते हो, स्क्रीन पर आते हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दो ऑप्शन अपना बने आ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर उसके बाद आपको सिर्फ पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपको सिर्फ न्यू डोमेन पे आपको himanshugrewal.com जो भी आपका डोमेन नेम है वो लिखना है और अपना सिर्फ पासवर्ड डालना है, और कुछ नहीं करना। ये दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको ऐड डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि स्क्रीन पर देखते हो कि ऐड डोमेन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन में आपको सिर्फ न्यू डोमेन का नाम और पासवर्ड ही डालना है, और www नहीं लगाना, खाली डोमेन नेम का नाम लिखना है, जैसे कि himanshugrewal.com या .in जो भी है। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपका डोमेन ऐड हो चुका है इसके अंदर। तो अब आपको वापस से होम पेज पर जाना है, जैसे कि देख सकते हो मैं होम पेज पर क्लिक किया, तो वही आपको cpanel पर दोबारा से लॉगिन करना है। तो माई अकाउंट पर जाइए cpanel पर लॉगिन करने के लिए, उसके बाद आप cpanel पर क्लिक कीजिए और फिर प्रोसीज्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप डोमेन नेम को ऐड कर चुके हो, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑटो इंस्टॉल पे इंस्टॉलर पे जाना है, आपका वर्डप्रेस लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ इंस्टॉल वाला बटन पर आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे लेटेस्ट जो वर्डप्रेस है वो 5.2.2 शो कर रहा है, कि आप पता जब तक लेटेस्ट वर्जन आ गया हो तो आप उस पर सिलेक्ट कीजिए, आप ऑटोमेटिक वही वर्जन होगा जो लेटेस्ट होगा। अब हम साइट को www के साथ देना चाहते हो, HTTP के साथ करते हो, वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं https://www.himanshugrewal.com के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपका डोमेन नेम आके लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना डोमेन नेम सिलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका ब्लॉग का नाम हो, या फिर इसको आप अभी के लिए रद्द भी कर सकते हो, आप इसको फ्यूचर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अभी करना है तो आप कर सकते हो। ये आपका साइट नेम, तो यहाँ पर मैं अपना साइट का नाम कुछ भी डाल सकते हो आप। तो जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, क्योंकि मेरी जो साइट है वो मैं मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बनाऊँगा। तो डिस्क्रिप्शन को मैं अभी हिंदी में लिख देता हूँ, क्योंकि साइट मेरी हिंदी में है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। अब यहाँ पर आपका एडमिन यूज़र नेम है। एडमिन यूज़र नेम वो होता है, जैसे कि जब आप साइट का वर्डप्रेस ओपन करोगे, जैसे कि himanshugrewal.com/wp-admin, तो वहाँ पर आपका वर्डप्रेस का यूज़र नेम पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो ये वहाँ पर डालना है आपको। तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालिए और उसी के नीचे आप अपना वर्डप्रेस का पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ये दोस्तों वर्डप्रेस का पासवर्ड है, ये SiteGround का पासवर्ड को मत समझना।
तो यहाँ पर मैंने अपना वर्डप्रेस का वो डाला पासवर्ड। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो अगर कोई हो तो, आप जीमेल की और कोर्ट की कोई सी भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, जैसे कि आप मैंने himanshugrewal.com@gmail.com अपनी ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसको मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देता हूँ। आप एडवांस ऑप्शन पर एक बार देख लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कुछ इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद इंस्टॉल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करते हो, ये आपकी चेकिंग सबमिट हो रही है डाटा का, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये 10% हो चुका है, अब ये 100% ही कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यही तरीका था वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें। अब मेरी साइट का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, मैं इस पर क्लिक करके यूआरएल पे देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरी साइट को लाइव ओपन हो रही है। तो दोस्तों यही तरीका कि वर्डप्रेस पे कैसे इंस्टॉल करें। अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।